गुड आफ्टरनून। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम पीपल टू ज्वाइन एंड देन वी कैन बिगिन आवर लाइव शो। हेलो मिस गीत, मिस्टर सचिन नाहटा वेलकम, लक्ष्मी नारायण जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, पंकज जी हाय, अमोल जी वेलकम। लेट अस जस्ट वेट फॉर अनदर 1 or 2 minutes, लेट अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन और सम पीपल ज्वाइन एंड देन वी कैन बिगिन आवर लाइव रेसिपी शो। सौम्या जी हेलो, विशाल जी हाय, मिस गीत कैसी हैं आप, पिंटू सिंह जी वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। जस्ट अनदर मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट। मिस्टर श्रीवास्तव हेलो, ध्यान सिंह जी सो वेलकम एवरी वन टू अमूल फेसबुक लाइव एट 1 PM ऑन सैटरडे। माई नेम इज मधु नाहटा और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ एंड आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट है, ईजी है। एज यूजल मेरी सारी रेसिपीज ईजी होती है। अगर आपको क्विक एंड ईजी रेसिपीज जो घर में इंग्रीडियंट्स अवेलेबल है उनसे अगर आप बनाना कुछ चाहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक बाद में यहाँ पे शेयर कर दूंगी इन कमेंट सेक्शन। ओवन्स अप बाय मधु, ओवन्स अप OVNSUP, ओवन्स अप बाय मधु। एंड तो कमिंग बैक टू हमारी आज की रेसिपी, आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना चाट। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी न्यूट्रिशियस, सेटिस्फाइंग एंड रिफ्रेशिंग ऑल्सो। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने नहीं पड़ते घर में। यूजुअली आमतौर पे जो इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज करने वाले हैं वो अवेलेबल होते ही हैं एंड ये बहुत ही नरिशिंग है, इन द सेंस कि इसमें जो भी हम चीज़ें डालने वाले हैं ये सारे ही सुपर फूड्स हैं। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ही फैटनिंग है और नॉट गुड फॉर हेल्थ है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी जिसका नाम है मखाना चाट। अमूल का मस्ती दही यूज़ करेंगे, अमूल का थोड़ा सा हम घी भी यूज़ करेंगे इसमें। एंड सो थैंक यू अमूल फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग रेसिपीज प्रेजेंट कर सकते हैं, आप देख के सीख सकते हैं, आपके कमेंट्स से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वंस अगेन वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मधु नाहटा और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ और आज की रेसिपी का नाम है मखाना चाट। बहुत ईजी है और बहुत स्वादिष्ट है, वीकेंड है, इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक पैन ले लेते हैं। ओके, पैन मैं गैस ऑन कर देती हूँ और इसमें हम डालेंगे सिंपली 1 teaspoon जितना घी हम इसमें डालेंगे, अमूल घी एम एडिंग। ओके, जस्ट 1 teaspoon जितना घी हम इसमें डाल देंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। अगर आप मुझे ठीक से सुन सकते हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, अगर आवाज वॉल्यूम कम लग रहा है तो मुझे बताएं, आई विल रेक्टिफाई इट। तो अमूल घी हमने गर्म कर लिया है, नॉर्मल फूल मखाना या लोटस सीड्स, फॉक्स नट्स जिसे कहते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। सो आई एम टेकिंग अबाउट 1 cup। मैं आपको 1 plate मखाना चाट का प्रपोर्शन बताऊंगी, 1 serving। सो मैंने 1 cup ऑफ मखाना ले लिया है एंड 1 teaspoon ऑफ अमूल घी। दोनों ही सुपर फूड्स हैं, जैसे मैंने बताया आज की हमारी रेसिपी में सारे ही सुपर फूड्स यूज होने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है
जो कि अनहेल्दी इसमें यूज होगी. सो इट्स अ वेरी हेल्दी बट अ वेरी चटपटा सा डिश जो आपको ये भी नहीं फील कराएगा अरे यार हेल्दी खाना है और ये हमें पसंद नहीं आता है या इट इज नॉट स्वादिष्ट, हेल्दी खाना इज नॉट स्वादिष्ट, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. अगर आप उसे अच्छी तरीके से अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाएंगे तो इट विल बिकम वेरी डिलिशियस और आप बार बार वही खाना पसंद करेंगे. इसको बीच बीच में टॉस कर लीजिए सो दैट ये सभी तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए. ओके, मौसम बारिश वाला है, मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में कल से बारिश हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है और ऐसे मौसम में कुछ चाट इस टाइप का खाने को मिल जाए वो भी बड़ा हेल्दी तो मजा ही आ जाए. तो आप भी इसे ट्राई करें. आई एम श्योर जिस रीजन में आप रहते हैं, मॉनसून इंडिया में ऑलमोस्ट इन ऑल प्लेसेस इट हैज अराइव्ड. तो जून एंड है, सभी जगह पे जनरली इस टाइम पे मॉनसून आ जाता है. तो आई एम श्योर आप भी आज नहीं तो कल मॉनसून एंजॉय करेंगे, तब आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए. हेलो कुसुम जी, नुरुद्दीन जी, नाहक जी, राजेश चौधरी जी, पंकज जी, थैंक यू रोहित जी जिन्होंने भी ज्वाइन किया. हम बनाने आज मखाना चाट. अमूल घी एक चम्मच मैंने डाला है और मैंने 1 कप मखाना लिया है. फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स जिसको बोलते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस ये होता है. आप इसको कई तरह की खीर या इसको एज इट इज यू नो इसमें नमक मिर्ची मसाले डाल के इसको एज इट इज यू नो एज अ स्नैक खा सकते हैं या इसके लड्डू भी बनते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉक्स नट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं. इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में या शाम के स्नैक में आप इंक्लूड कर सकते हो. तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जब तक हमारा ये मखाना रोस्ट हो रहा है हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं. बीच बीच में मखाना हिलाते रहेंगे हम. तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अमूल का दही, अमूल मस्ती दही. सो ये मैंने 1/2 कप दही लिया है. इसको फेंट लेंगे, स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल. मखाना को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे सो दैट ये अच्छी तरह से सभी तरफ से क्रिस्पी हो जाए. तो दही को हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं. 1/2 कप अमूल मस्ती दही मैंने यहाँ पे लिया है. उसको मैं फेंट रही हूँ. ये ऑलरेडी हमारे क्रिस्पी हो गए हैं मखाना, बट उसे हम 1-2 मिनट और, बिकॉज मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है, सिल जाने का डर है, तो थोड़ा सा और हम उसको क्रिस्पी कर लेंगे. बिल्कुल स्मूथ, नो लम्प्स इन द दही रहे. आप इस तरह से इसको फेंट लीजिए, एक विस्क से, रवि से, चम्मच से, कांटे से, जो भी आप लेना चाहें. ओके, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अबाउट 1 टेबलस्पून जितना ओनली. ओके, और अब इसको विस्क कर लीजिए. देखिए हमें गाढ़ा दही नहीं चाहिए यहाँ पे इस चाट में. थोड़ा सा और अबाउट 2-3 टेबलस्पून में पानी इसमें ऐड कर रही हूँ. गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी, इस टाइप का आपको दही रेडी करना है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट. थोड़ा सा हम रेगुलर सॉल्ट डालेंगे इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट हम हमारा जो ये मखाना है इसके ऊपर डाल देंगे. ओके, और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे. इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सो दैट जो ये सॉल्ट की कोटिंग है ऑटोमेटिकली हीट में मखाना के ऊपर चढ़ जाए. हमें बहुत सॉल्टी मखाने नहीं बनाने हैं यहाँ पे, बिल्कुल हल्का सा. ओके, तो ये बस इस तरह से 2-3 बार आप रोल कर दीजिए तो आपके जो मखाने हैं उस पर सॉल्ट की कोटिंग हो जाएगी. और ऐसे ही उसी पैन में रहने दीजिए. तो हमने दही में पानी डाला, उसे फेंट लिया, सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे.
थोड़ा सा काला नमक, अबाउट 1 pinch मैंने काला नमक डाला है. ओके तो जो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, हम बना रहे हैं मखाना चाट आज. बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है, जरूर इसे ट्राई करिए. सारे इंग्रेडिएंट्स सुपर फूड्स हैं इसमें, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो भी टेस्ट पे बिना कॉम्प्रोमाइज किए इस तरह की चाट बना के खा सकते हैं. मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसमें पानी ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमें थिक दही बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें, वेरी लिटिल. मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर. शुगर डालेंगे इसमें हम अबाउट 1/4 teaspoon. मैं पीसी हुई शुगर डाल रही हूँ. रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे, ओवन्स अप बाय मधु. तो इसको फेंक लिया है मैंने और ये हमारा दही रेडी हो गया है. इसको मैं साइड में रख देती हूँ. हमारे मखाने भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं. एक छोटी प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम इस चाट को बनाएंगे. तो जो मखाना है वो मैं इसमें डाल देती हूँ. मखाना मैंने यहाँ पे डाल दिया है. ओके आई थिंक इट इज विजिबल. तो इसको आप फ्लैट रख दीजिए मखाना को, ठीक है. एंड इसके ऊपर अब हमने जो ये दही बनाया था ना, ये ड्रिजल कर देंगे. जो दही हमने यहाँ पे रेडी किया था बस वो ऊपर आप हल्का हल्का इसके ड्रिजल कर दीजिए, सारे आपके मखाने इससे कवर हो जाए. लाइक दिस, देखिए दही हमने बनाया. दही में शुगर, नमक, काला नमक मैंने डाला और मखाने मैंने रोस्ट किए, थोड़ा सा नमक डाला था आखिरी में. अब हमें क्या चाहिए, ग्रीन चटनी. सबके घर में अवेलेबल होती है, फटाफट बन भी जाती है. तो हम डालेंगे इसके ऊपर ग्रीन चटनी. देखिए मैंने ग्रीन चटनी जो ली है ना, बहुत इसको मतलब गाढ़ा नहीं लिया है. अगर गाढ़ी हो तो आप उसको पतला कर लेना, ठीक है. थोड़ी सी ग्रीन चटनी मैंने डाल दी है. नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ डेट्स और इमली की चटनी, टैमरिंड चटनी. इमली की चटनी बाजार में भी रेडीमेड मिलती है, आप घर में भी बना सकते हैं. कांच की बॉटल में स्टोर करके रखिए, महीना भर कुछ नहीं होता. तो अगर आप ये ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो आज आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैं पोस्ट करूंगी ग्रीन चटनी की रेसिपी भी, वहां पे आप देख सकते हैं कैसे बना सकते हैं इजी ग्रीन चटनी. तो ये मैंने इसके ऊपर टैमरिंड चटनी डाल दी है थोड़ी सी. ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये. इसके बाद ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सी बूंदी इसमें, थोड़ा सा और क्रंच देने के लिए. तो मैं बूंदी डालूंगी इसके ऊपर, जो हम रायते में बूंदी यूज करते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं. ओके ये बूंदी मैंने डाल दी. और इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ और कोर्सली पीसा हुआ जीरा, ये मैं डाल रही हूँ ऊपर. थोड़ा सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो इसको. बिल्कुल हल्का सा डाला है मैंने, 1 pinch जितना. ओके अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया, उससे सजावट करेंगे.
सो मेरे पास कुछ फ्रेश हरा धनिया है, वो उसके लीव्स मैं यहाँ पे बीच में लगा दूंगी। आप चाहें तो पूरी तरह से गार्निश भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। और देखिए कितनी क्विकली और डिलिशियस हमारी ये मखाना चाट रेडी हो गई है। बहुत न्यूट्रिशियस है, सारे ही सुपर फूड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए, कोई भी एक ऐसा आइटम नहीं है विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई करेंगे। आज हमने बनाया मखाना चाट। सबसे पहले मखाना को रोस्ट कर लिया 1 teaspoon ऑफ अमूल घी के साथ। फिर जब वो रोस्ट हो गए तो सॉल्ट डाल के गैस ऑफ कर दिया एक बड़े पैन में। साइड में हमने अमूल मस्ती दही लिया 1/2 cup और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। पतली कंसिस्टेंसी रखनी है हमें दही के मिक्सचर की। उसमें काला नमक डाला, सॉल्ट डाला और पीसी हुई शुगर भी डाल दी। एंड देन वी मिक्स्ड इट और इस तरह से हमने इसके ऊपर ग्रीन चटनी और इमली की चटनी डाली, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, भुना और पीसा जीरा और चाट मसाला जो ऑप्शनल है वो डाला और बूंदी डाली और गार्निशिंग के साथ इसको हमने कोरिएंडर की गार्निशिंग के साथ अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो एंड आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे फॉलो करिएगा ओवन्स अप बाय मधु पे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप यू ऑल एन्जॉय द सेशन। थैंक यू।